आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ चालू टाइप की लड़कियाँ कैसे लड़कों को अपनी तरफ फंसा लेती है, कैसे उस लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है चालू टाइप की लड़कियाँ। आप सभी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर यह सवाल पूछा था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देन आई होप आप इस वीडियो को एजुकेशन के तौर पर देखोगे, इस वीडियो को कोई गलत मतलब नहीं निकालोगे, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, मगर उससे पहले इस वीडियो पर एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। क्या आपको पता है फ्रेंड, चालू टाइप की लड़कियां अगर किसी लड़के का दिल जीतना चाहती है तो सबसे पहला काम वो क्या करती है, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल ब्लैकमेल करती है उसे वो। लाइक कुछ ऐसा कि वो अपने आप को फ्रेंड इतना ज्यादा आपके सामने बिचारा दिखा देती है कि आपके दिल से ये बात निकल ही जाती है कि ओहो यार, इस लड़की के लाइफ में कितना ज्यादा परेशानी है, कितना ज्यादा दुख है यार, इससे तो कोई प्यार ही नहीं करता यार, ऐसे कौन करता है किसी को, मतलब इसके चेहरे पर हल्के से मुस्कान नहीं आ सकती क्या। लाइक कुछ ऐसा लड़की आपके सामने रिएक्ट करती है। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि लड़की आपसे बात कर रही है, बात करने के दौरान अपने फीलिंग आपको बताने लगी कि तुम्हें पता है आज ना मेरे साथ ये हुआ यार, तुम्हें पता है ऐसा कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है मैं तो कभी खुश ही नहीं रहती, कुछ ऐसा। ये होता है फ्रेंड चालू टाइप की लड़कियां का। वरना फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि लड़कियां अपनी इमोशन छुपाने में नंबर वन होती है भाई। उन्हें कितना भी बड़ा दर्द हो रहा हो, कितना बड़ा भी चोट लग गया हो, वो कभी बताती नहीं है, कभी किसी सामने जताती भी नहीं है, समझ रहे हो मेरे भाई। ये तभी होता है जब बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप हो या फिर बहुत ही तगड़ा फ्रेंडशिप हो, तभी लड़कियां बताती है, वो भी आपके लाख बार पूछने पर उसके बाद, समझ गए भाई। तो चालू टाइप की लड़के का सबसे पहला पॉइंट यही है कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने तरफ उस लड़के को अट्रैक्ट करती है। आप देख लेना भाई, अगर आपके साथ ऐसा कोई साइन मैच हो रहा है तो। दूसरा, लड़की अपने आप को ज्यादा ही इनोसेंट, ज्यादा ही अपने आप को शरीफ समझाएगी, मतलब आपको बताने पर लगी रहेगी कि मैं बहुत ही शरीफ लड़की हूं, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूं, मैं ऐसी नहीं हूं वैसी नहीं हूं। अंदर से भले ही उसका मन वैसा होगा, मगर कभी भी वो आपके सामने ऐसा कुछ जताएगी नहीं। हालांकि फ्रेंड कहीं ना कहीं लक्षण आपको देखने को मिल जाएगा कि यार जब एक बात बताए, जब इतनी शरीफ है तो इसके पीछे इतने 3600 कैसे डोलते हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी ये बात पती होगी, ठीक है। तो कुछ ये प्रकार का भी साइन होता है फ्रेंड चालू टाइप की लड़कियों को, और ऐसे वो लड़कों को फंसाती है। अपने सामने कुछ ज्यादा इनोसेंट दिखाना, ज्यादा ही ये सब चीज बताना, ज्यादा ही मतलब दिखाना कि मतलब मैं बहुत ही ज्यादा शरीफ हूं। भाई एक बात बताओ, कौन बताता है ऐसे, कौन दिखाता है ऐसे? अगर शरीफ है, अगर वाकई में इनोसेंट है तो आपको तो देखने से पता चल ही जाएगा ना, बार बार बताने का क्या मतलब बनता है, सोचो मेरे दोस्त सोचो। अगला पॉइंट और जान लेते हैं, दिखावा करना, ठीक है फ्रेंड, शो ऑफ करना। चालू लड़की की सबसे बड़ी साइन होती है ये कि लड़की बात बात पर आपके सामने शो ऑफ करती है, दिखावा करती है कि तुम्हारी मुझे बहुत ही ज़्यादा केयर है, तुम्हारी मैं बहुत ही ज़्यादा परवाह करती हूँ। लाइक कुछ ऐसा कि आपको किसी चीज़ को संभाल के रखना, कुछ ऐसा। ये सब फ्रेंड बताता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ भी कर रही है, मगर लड़की वैसा नहीं दिखा रही है जैसा रियलिटी में दिखता है आपको, समझ गए मेरे भाई। तो कुछ ऐसा, लड़की ज़्यादा ही शो ऑफ का सहारा लेती है, तो मतलब भाई लड़की चालू है भाई। ज़्यादा शो ऑफ कौन मारता है, आप ही सोचो, जाहिर सी बात है मन में कुछ अलग विचार हो तभी शो ऑफ मारा जाता है ना। और चौथा पॉइंट तो मेरा फ्रेंड यही होगा कि लड़की बात बात पर आपसे झूठ बोलना चाहेगी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार इतना झूठ कौन बोलता है, झूठ के सहारा लेकर के ये मुझसे बच जाती है, झूठ के सहारा लेकर मुझसे काम निकलवा लेती है, झूठ का सहारा लेकर मुझसे इतना टाइम तक बात करती है। लाइक कुछ ऐसा, चालू टाइप की लड़कियाँ फ्रेंड झूठ का ज़्यादातर सहारा लेती है, उनके लिए सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट झूठ होता है, उनको ऐसा लगता है कि सच में ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए जितना ज़्यादा हम झूठ में डिपेंड रह सकते हैं। झूठ बोलने से किसी को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, झूठ बोलने से हम किसी को भी अपने जाल में फंसा भी सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है भाई। तो ये था कुछ अंतक पॉइंट, अब मेरी बात सुन लो यार। इस वीडियो में मैंने फ्रेंड सभी लड़कियों को गलत नहीं बोला है, मैंने कोई किसी लड़की की बुराई नहीं की है, मैंने आप लोगों ने साइन पूछे थे तो मैंने आपको साइन बताया था। अब जिसका मन साफ है, दिल साफ है, वो लाइक कर सकता है। अब अगर भाई कुछ बुरा लग गया हो मेरी बातों का तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस सच बातें तो ऐसी ही होती है। मगर लाइक जरूर करना अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ फ्रेंड फॉलो कर लीजिएगा यार। वीडियो पे लाइक किए बिना जाना मत, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो इस वीडियो को अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।